ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सब जानते हैं कि सावन मास लगा हुआ है, इसमें भोलेनाथ को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। और अगर वो जल हो 27 कुओं का, तो समझिए आपकी ज़िंदगी के जितने भी विकार हैं सारे दूर हो गए। अगर मन में कोई कामना हो, कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, उसको पूरा करना हो, तो आपको बस करना इतना है कि 27 कुओं का जल लेकर अपने पास के किसी मंदिर में आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। इससे जितने भी आपके विकार हैं, जितने भी आपके दरिद्रता है, जितने भी आपके रोग हैं, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और 27 कुओं का जल मिलना बहुत मुश्किल है, अगर ना मिले तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी हम कम से कम भी 20-25 लीटर लेकर आए हैं 27 कुओं का जल। गाँव-गाँव घूम घूम कर हमने कुओं का ये जल इकट्ठा किया है, ताकि इस सावन में भोलेनाथ पर हम इसको अर्पित कर सकें। और अगर आपकी कोई ऐसी मंशा हो जो कि बहुत दिनों से आपके दिल में हो लेकिन वो पूरी ना हो रही हो, तो आपको बस करना इतना है कि भोलेनाथ से आग्रह कीजिए कि जो भी आपकी इच्छा है उसको वो पूरा करें। और जितने भी ये दिन हैं सावन के, उनमें भोलेनाथ के ऊपर शहद, 27 कुओं का जल और दही, ये सब मिक्स करके भोलेनाथ पर इसका लेप करें और अपनी कामना उनसे कहते जाएं। ऐसा करने से शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूरी हो जाएगी। ऐसा एक बार नहीं है, ये पिछली बार भी मैंने बहुतों को ट्राई करवाया था, और यकीन मानिए इसका जो प्रोसेस है वो इतना तेज है कि आपको पहले ही दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप इससे षटकर्म में भी, किसी भी प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं 27 कुएं के जल को। मारण, विदेशन, उच्चाटन, स्तंभन, इन सब में इसका काम बखूबी इसने दिखाया है। अगर किसी जगह को पवित्र करना हो तो शुद्धिकरण मंत्र के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी जगह को पवित्र करना हो तो अपने हाथ में ये जल रखकर आपको 3 बार ये मंत्र बोलना है। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतोपि वह स्मृत पुंडरी काक्षम जो बाह्य च भ्यांतर सूची। अब इस मंत्र के साथ आपको ये छिड़क देना अपने पूरे घर में, या फिर जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको कहीं दिखे, या फिर कुछ ऐसा दिखे कि जो जहाँ जाकर आपका मन खराब होता हो, तो उस जगह पर भी आप इसको छिड़क सकते हैं। इससे वातावरण की शुद्धि हो जाएगी। यदि घर में कोई बीमार हो तो उस पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुद्धि मंत्र 3 बार बोलकर रोज उसको इसके छींटे दीजिए। इससे वो, इस प्रयोग से वो जल्दी ही चंगाई को प्राप्त करेंगे। और छोटे बच्चों को नज़र लग जाती हो, किसी भी तरह का भूत प्रेत आसेब या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जिसको दूर करना हो, उसके लिए आप 27 कुओं के जल को अपने हथेली में रखकर 7 बार ये मंत्र बोलिएगा शुद्धिकरण का, और पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। इससे भी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अगर किसी को रोग अभी अभी लगा हो और उसको दूर करना हो, तो भी ये शुद्धिकरण मंत्र आप यूज़ कर सकते हो। और इसके उपाय बहुत हैं, ये अनगिनत उपायों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा 9982816625 पर। थैंक यू।